उत्तराकाशे टनेल अघटन फसी रही पांच ओडिया श्रमिकों परिचय सामना को आसी फसी पांच जन नवरंगपुर भगवान भत्रा मयूरभंजर विशेश्वर नायक कुलटिहार राजू नायक बड़कुदार धीरेन शंकरषणपुर तपन मंडल टनेल काम चली अधारू भुशुड़ी पड़ा ए भुशुड़ी पड़ा टनेल भितर फसी रही सात राज्यर चालीस श्रमिक राज्यर वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल को जा उद्धार कार्यर स्थित परखिंट उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड दुई बिहार चार पश्चिमबंग तीन और झारखंड सर्वाधिक पंदर उत्तर प्रदेश आठ हिमाचल प्रदेश जनक समेत ओडिशा पांच जन श्रमिक ए निर्माणाधीन टनेल फसी रही तालिका जारी कर उत्तराखंड प्रशासन युद्ध भित्ति समस्त को उद्धार करने को प्रयास जारी रही उद्धार करने को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम सह पुलिस नियोजित होते श्रमिकों पाक को पाइप जोगे खाद्य अम्लजान पठा जा शनिवार राति ऑपरेशन जारी रही बेले श्रमिकों उद्धार पर केते समय लगे तार सठिक आकलन करना निर्माणाधीन टनेल ब्रह्मखाल यमुनोत्री जातीय राजपथर सिल्किया दंडाल गांव को संजोग करने को निर्माण करा टनेल तैयारी आरंभ हो स्थान प्राय 200 मीटर आगे यह भुशुड़ी पड़ी घटनास्थल में पहुंच उद्धार कार्यर अनुधान कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेबर काम करें वर्तमान से कोटी काम करथु उत्तराखंड 22 वर्ष छ पिला जाना दीटा जियो सरकार को किछि सहायता करबा पर निवेदन करें एनडीआरएफ की टीम एसडीआरएफ की टीम रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं अन्य जो एजेंसियां हमारे यहां पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं और अभी इस समय में हमारी प्राथमिकता है कि सभी जो 40 हमारे श्रमिक भाई अंदर हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए उनके परिवार के लोगों को परिवारजनों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रात भर पूरा रेस्क्यू का काम चला है, अंदर से संपर्क भी स्थापित हुआ है। अच्छी बात यह है कि उनसे संपर्क स्थापित हो गया है और साथ में जो कुछ यहाँ पर ह्यूम पाइप इत्यादि की आवश्यकता है वो भी हरिद्वार से यहाँ पर लाए जाने की कार्रवाई की जा रही है और वो होते ही हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाएंगे, सब सुरक्षित आए, हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। अच्छा, अभी हमारी टीम ने अंदर मूवमेंट किया है तो देखा है जो कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है। अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं, उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, क्या फिगर बताया जा रहा है कि लोगों का अंदर कितने लोग हैं? सर, जिस तरीके से बताया 40 लोगों का फिगर बताया जा रहा है कि हाँ ये 40 की खबर है। हमारे से कम्युनिकेशन हुआ था तो उन्होंने बताया 40 लोग अंदर हैं लेकिन सारे के सारे सुरक्षित हैं अभी। सर, एक व्यवधान बताया जा रहा है कि बीच में तो जैसे अगर थोड़ा सा खोला जा रहा तो फिर ऊपर से बलवा जा रहा है। जी ये तो है सर, अंदर की जिस तरीके से बलवा बार बार दिक्कतें आ रही है रेस्क्यू करने में। हाँ, देखिए जो टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 200 मीटर तक तो पूरा का पूरा बढ़िया से उसका प्लास्टर वगैरह होके एकदम सेट हो रखा है लेकिन उसके आगे जो टनल का जो काम चल रहा है वहाँ पे भी प्लास्टर का काम नहीं हुआ है जिस वजह से जो है वो अचानक से नीचे बैठ गया है। अभी जो मशीन से लगी हुई हैं खुदाई करने के बाद जो एक्सकेवेशन का काम कर रही हैं तो वो करते करते साथ ऊपर से मलबा भी गिर रहा है, ये समस्या थोड़ा हमें पैदा कर रहा है। मलबा थोड़ा सा गीला सा हैवी हो गया वो नीचे धस रहा है। सर, कब तक माने कि लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं? सर, आज का दिन माने? हम तो सोचते हैं कि आज हो जाना चाहिए, हम तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, बाकी लोग भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे कल रात से लगी हुई है, जब से पता लगा हमें हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पूरी मतलब हम पूरे साधु सम्मान के साथ यहाँ पे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी आप सिचुएशन तो यही है कि ऊपर से मलबा गिर रहा है और अभी गिरना थोड़ा कम हुआ है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।